आज भगवान राम का जन्मदिन यानी कि रामनवमी है। रामनवमी आज बड़ौदा शहर में भी मनाई जा रही है, पर कोरोना महामारी के बीच इस साल कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बड़ौदा शहर के भगवान राम के विभिन्न मंदिरों में पूजन अर्चना आज किए गए थे। आज विक्रम संवत 2077 चैत्र सूद नवमी यानी कि रामनवमी का पर्व है। आज के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आज पूरे भारतवर्ष के साथ दुनिया भर में भगवान राम की जयंती को कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। तब आज शहर के मदन झाम्प रोड पर स्थित पौराणिक राम जी के मंदिर में दोपहर 12 बजे एक महाआरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था और भक्तों के फूलों एवं प्रसाद को बाहर से ही स्वीकारा जा रहा था। चल रहे महामारी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा कोरोना नियमों का पालन किया गया। साथ ही में श्रद्धालुओं को भी श्री राम भगवान की आरती में शामिल होने का सौभाग्य दिया गया। वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण अच्छे से हो एवं जल्द हो, इसके साथ इस महामारी को जल्द से जल्द दूर करने के लिए प्रार्थना की गई। ठीक 12 बजे भगवान श्री राम जी की आरती की गई एवं श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की भी आरती की गई। श्री राम जी हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट मदन झापा रोड नए मंदिर पाए बड़ोदरा चैत्र शुक्ल रामनवमी भगवान श्री राम का जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और पूजा विधि वगैरह वो सब कुछ है। हमारा अंदर का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ होता है, हर वर्ष मनाया जाता है, हर वर्ष होता है, लेकिन बाहर का प्रोग्राम COVID-19 की महामारी की वजह से गाइडलाइन से चल रहा है और उसमें भगवान से हम इतने आश्वस्त हैं, हे प्रभु सबको इस आरती के जो दर्शन करें उन सबको COVID-19 से राहत प्रदान करें, हे प्रभु जय सीताराम। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।